हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। दोस्तों यहाँ पर आज के वीडियो में बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों यहाँ पर कोरोना अपडेट से लेकर के भारत में अगले 3 महीने में कोरोना से बड़ी तबाही की आशंका, कहाँ पर यह जो न्यूज़ है निकाली गई है साइंस मैगजीन लूसेंट में, आज तक की तरफ से ये पोस्ट की गई है। साथ में दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे DLED प्रमोट होगा या फिर नहीं, चांस प्रमोट के हैं या फिर नहीं, क्योंकि इसको हम कंफर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि 100% लोग दावा कर रहे हैं कि हाँ प्रमोट होंगे, लेकिन 100% दावा करने का मतलब ठोस सबूत भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठोस सबूत भी होना चाहिए, जो कि उनके पास है नहीं, बस अपने मन से बोल रहे हैं कि हाँ 100% प्रमोट होगा DLED, ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैगजीन में देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैगजीन का स्क्रीनशॉट दिया गया है, कोई भी ये फेक नहीं है। कोरोना के कहर से इस समय पूरा भारत कराह रहा है, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है या बढ़ रहा है। इसी बीच ब्रिटेन से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 1 अगस्त तक भारत में कोरोना से 10 लाख मौतें हो सकती हैं। रिपोर्ट में इन मौतों के लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार माना गया है, सीधे गवर्नमेंट को जिम्मेदार माना गया है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस सिचुएशन में, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये भयावह स्थिति बहुत ही खराब है। इससे पहले जब सेकेंड वेव नहीं आई थी, इस टाइम तो सेकेंड वेव चल रही है कोरोना की, जब सेकेंड वेव नहीं आई थी, फर्स्ट वेव आई थी, जब चल रही थी पिछले मई जून की बात करते हैं, तो वहां पर भी ब्रिटेन बताया गया था कि भारत में इससे तबाही ज्यादा आएगी सेकेंड वेव में। तो इस टाइम आपको पता है कि सेकेंड वेव कितनी ज्यादा खतरनाक है और तबाही आ ही रही है। और उसी तरह से ब्रिटेन के मैगजीन में एक बार फिर से वही खबर निकाली गई है, साइंस मैगजीन लूसेंट में खबर निकाली गई है कि जो तीसरा स्टेज होगा कोरोना का, कोरोना की जो थर्ड वेव होगी, अगले 3 महीने में कोरोना से सबसे बड़ी तबाही की आशंका वहां पर उस मैगजीन में जताई गई है। तो यहां पर जो चांसेस हैं वो 80% चांसेस आपको हर एक न्यूज में जानने को ये भी मिल रहा होगा कि थर्ड वेव आएगी, और थर्ड वेव जो आएगी वो ज़्यादातर जो होगी वो बच्चों पर इफ़ेक्ट करेगी, बच्चों पर ज़्यादातर इफ़ेक्ट करेगी। अब यहीं पर बात करते हैं कि इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट जब करेगी तो केसेस भी सेकेंड वेव से कई गुना ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इस कंडीशन में क्या आपको लगता है DLED प्रमोट होगा या फिर एग्ज़ाम होगा? देखिए, अगर ये वेव जो है, अभी ये जो न्यूज़ है ये 9 मई कल की न्यूज़ है, अपडेट 8:02 AM पर निकली थी, नई दिल्ली की तरफ से आज तक पे प्रसारित की गई थी। आप यहाँ पर बात करते हैं जब मई चला, तो यहाँ पर बात हुई अगले 3 महीने की, यानी कि अगले 3 महीने कौन कौन से हैं, एक तो जून है, एक तो जुलाई है और एक अगस्त है, ठीक है ना, जून जुलाई और अगस्त, यहाँ पर 3 महीनों की बात की गई है। तो 3 महीनों में आपको पता है कि जून में तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी होना ही नहीं है। बात करते हैं जुलाई में, तो जुलाई में अगर जून में केस एकदम कम हो जाते तब सोचेगी सरकार एग्ज़ाम करवाना, जुलाई में तब सोचेगी। और जुलाई में भी जो चांसेस है वो 80% चांस पेपर के बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। और इन्हीं बीच में थर्ड वेव आना है, यानी कि अगले 3 महीनों में कोरोना की बहुत बड़ी तबाही आने वाली। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो चांसेस हैं, सरकार को यही करना चाहिए, PNP को भी यही सोचना चाहिए कि जो थर्ड सेमेस्टर है उसको प्रमोट कर दिया जाए, थर्ड सेमेस्टर जो है उसको प्रमोट कर दिया जाए, और घर बैठे जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी में जुड़ जाए फोर्थ सेमेस्टर की, ठीक है ना। थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करना इनके लिए उचित होगा, और उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी में जुड़ जाएं, और देन उसके बाद सितंबर अक्टूबर का जब स्थिति जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, उसके बाद ये एग्ज़ाम जैसा सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था जिस डेट को, उसी मंथ में ये फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम करवा लें। ये तो हो गई बिल्कुल सीधी सी, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी लोग वीडियो दे रहे हैं, कह लीजिए मेरे पास भी वीडियो सेंड हो रही हैं कि सर बहुत से लोग 100% बोल रहे हैं कि 100% जो है वो प्रमोट होगा DLED। तो अभी इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं है, ना तो पीएनपी ने कोई प्रस्ताव भेजा है शासन को कि DLED थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए, ऐसा पीएनपी ने कुछ भी नहीं कहा है। तो इस कंडीशन में कहाँ से वो 100% न्यूज़ लेकर के आते हैं, वो तो वही जान सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी तक अपडेट कोई नहीं है प्रमोट से रिलेटेड, और जो भी जानकारी आपको प्रमोट से रिलेटेड मिलती हैं वो एक अपने आप में मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, फिलहाल के लिए अभी ना तो कोई शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जैसे कि अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम था, यूपी टेट का एग्ज़ाम स्थगित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, ठीक है ना, शासन को प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था। तो अभी तक DLED
प्रमोट करने के लिए या परीक्षा स्थगित करने के लिए कोई भी परीक्षा तो स्थगित हो ही गई है, लेकिन प्रमोट से रिलेटेड अभी कोई भी शासन को प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। तो इस कंडीशन में हम कैसे कह सकते हैं 100% प्रमोट होगा, ठीक है ना। अभी कोई भी जानकारी नहीं है कि हाँ 100% प्रमोट होगा। फिलहाल के जो चांसेस हैं वो प्रमोट के आपके बनते हैं, लेकिन आपको इस टाइम सबसे ज़्यादा किससे बचना है, आपको कोरोना से बचना है, बाकी फर्जी न्यूज़ से तो बिल्कुल भी बचना है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये अपडेट जान के बहुत ही आश्चर्य हुआ होगा कि अगले 3 महीने में क्या होने वाला है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, क्योंकि 100% वाले बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, तो वहाँ पर उन खबर को बिल्कुल भी मत मानिए कि जो 100% प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी जब शासन को ही नहीं पता है कि हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर इन वीडियो इन यूट्यूबर को क्या पता होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।